बेगूसराय में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मामला बलिया थाना क्षेत्र के सदानंदपुर की है। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम आजाद पोदार और टुंटू रजक के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चली, जिसमें टुंटू रजक के घर से आधे दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आजाद पोदार को भी चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही बलिया थाना की पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट चुकी है। फिलहाल घायल का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट को लेकर टुंटू रजक ने SC/ST थाने में 7 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित पक्ष के टुंटू रजक ने मामला 7 लोगों पर दर्ज कराया है। जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। मेरे न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर की रिपोर्ट। मेरे घर में शादी था, इसलिए मेरी माँ नहीं गई काम पर, तो लोग जो है मेरे साथ मारपीट किया। 5-6 आदमी घायल है, सर मेरा भी सर फोड़ दिया है, मेरे पिताजी को भी मारा है, मेरी बेटी को भी मारा है, सबको मतलब बहुत बेतरीका से मारा है। और मार करके घर से सब सामान लूट लिया। मेरी बेटी का शादी 26 तारीख का है, तो उसके लिए हम एक बड़ी सोने का जेवर बनवा कर रखे हुए थे, और 80,000 रुपये वो भी लूट लिया। कितने की संख्या में था वो लोग? करीब 7-8 की संख्या में था। किसी से मारा है? डंटा से और छड़ से मारा, और बैट था उसके हाथ में। सब लोग मार के भाग गया और सब लूट लिया, मारने पीटने लगा, और हम लोग जो अचेत हो गए थे। आवेदन दिए हैं थाना हरिजन थाना में, बलिया थाना गए तो वहाँ कोई मिला नहीं। दाग धोने के लिए आदमी को मारा है? मारा है कि कैसे? हमको मारा, हमको बेटा को मारा, हमको पति को मारा, पोती को मारा। क्या आदमी घायल हैं आप लोग? 5 आदमी। कौन मारा है? चंदन कुमार, चंदन कुमार आजाद पदार। कौन सी से मारा था? रोड है हाथ में, इतना मोट का रोड रहे, इतना उड़े वह सुधा पिटाए दिल का। क्या नाम है आपका? कजोमा देव।